हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण गौतम बायजूम्स क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं कि आज जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम रीजनिंग का, तो जो आज रीजनिंग में जो डिस्कस करेंगे हम, जो टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा वेन डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसमें हम टोटल, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेन डायग्राम में होता क्या क्या है। इसमें हमारी टोटल तीन टाइप्स बन के आती है वेन डायग्राम में, तो हम तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से तीन टाइप आती है, मैं पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू बता देता हूं कि इसमें वेन डायग्राम में होता क्या क्या है। पहली जो टाइप आती है, मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता दूं कि इस चैप्टर के बारे में हमें इसमें सीखना क्या है। जैसे कुछ इस तरीके से आता है, मान लो वाले मैंने क्वेश्चन डाल दिया कैट पैट और डॉग, और इसमें मान लो आपको ये बताना है कि भाई इसका जो वेन डायग्राम है वो कैसे रिप्रेजेंट होना है, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लो ऑप्शन में, जैसे एग्जाम में क्या करता है कि चार ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दे दिया कि आपको ये कहेगा जो छोटा सर्कल है वो किसका है, कैट का है, पैट का है, डॉग का है, जो सेकंड सर्कल है इन तीनों में से कौन से का होगा, और जो थर्ड सर्कल है वो कैसे क्या होगा। और दूसरा जो ऑप्शन आता है कुछ इस तरीके से आता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा जो आता है कुछ ऐसे आता है, और चौथा ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये हमारे चार ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शन आते हैं। और हमने इसमें ये बताना होता है कि भाई कैट का मतलब होता है बिल्ली, पैट का मतलब पालतू, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, तो इसमें कौन सा डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा, तो हमने बताना है। पहली टाइप तो इसमें ये आती है आपकी। दूसरी जो टाइप है वेन डायग्राम में वो कुछ इस तरीके से आती है, मैं आपको बताता हूं, देखना एक बार आप यहां पे। और इसमें कुछ नंबर डाले जाते हैं, जैसे मान लो यहां नंबर डाल दिया 12, यहां डाल दिया 15, यहां डाल दिया 3, यहां पे डाल दिया 9, यहां पे डाल दिया 10 और यहां पे डाल दिया 6। और ये जो ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट करेगी, ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट करेगी, जो ट्रायंगल है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। इसमें बाकायदा बताया जाएगा एग्जाम में कि ये जो ट्रायंगल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो जो इसमें जो सर्कल है आपका वो रिप्रेजेंट करता है मान लो इंजीनियर को, ठीक है ना, ER का मतलब होता है इंजीनियर। और ये जो है मान लो ये आर्किटेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए भाई इसमें ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो इंजीनियर नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में पुट करेगा आपसे कि ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो डॉक्टर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर है लेकिन आर्किटेक्ट नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल, जब सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे इसमें, तो सेकंड टाइप में मैं बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा कि डॉक्टर इंजीनियर और आर्किटेक्ट का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनता है। ये वैसे आप ये चैप्टर के बारे में बता रहा हूं कि कितनी टाइप्स आती है इसमें। तो पहली टाइप ये हो गई हमारी, सेकंड टाइप ये हो गई हमारी, और जो तीसरी जो टाइप आती है वेन डायग्राम में, वो तीसरी टाइप कुछ इस तरीके से आती है। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे, जैसे मान लो हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज को जो बोलते हैं वो मान लो है 30%, इंग्लिश लैंग्वेज है वो बोलते हैं मान लो 40%, और आपसे बोल दिया जाए तो बोथ लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश वो है मान लो 10%, और आपसे बोला जाएगा कि इसमें कि बताए कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल ओनली इंग्लिश बोलते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। तो इसी का भी हम वेन डायग्राम करके इसका हम आंसर बताएंगे कि कैसे क्या होता है। तो पहली टाइप ये होती है, सबसे बड़ी जो टाइप है वेन डायग्राम में वो ये है आपकी कि इसमें डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड टाइप हमारी कुछ इस तरीके से आती है एग्जाम में, आपने देखा भी होगा किसी भी आप SSC लेवल का एग्जाम देते हो या CPO CGL का, कोई भी आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम देना, उसमें क्वेश्चन आपको पक्का मिलते हैं, खासकर ये वाली जो पहली जो टाइप आती है वो खासकर आपको जरूर मिलती है। तीसरी जो टाइप है इसमें क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि जो हिंदी है वो 30% है, इंग्लिश जो है वो 40% है, जो बोथ लैंग्वेज को पढ़ते हैं वो है ये 10%। तो आपसे बोला जाएगा कि ओनली इंग्लिश, ऐसे कितने स्टूडेंट है जो केवल इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, तो वो आपको बताना है कि कैसे रिप्रेजेंट होना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो शुरुआत करेंगे हम, तो पहली टाइप से शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या क्या है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने, अभी तो मैं आपको पहले बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम नहीं जा सकते, पहले इसका आप कुछ सीखोगे नहीं, बेसिक कुछ नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है। पहले इसका बेसिक आप सीखो कि होता क्वेश्चन कैसे सोल्व है, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आता है। और कई बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सर जी ये क्वेश्चन आज तक सोल्व नहीं हो पा रहे, कि मतलब इनका मेथड्स क्या है करने का, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे क्या। आज मैं वही आपको बताऊंगा कि इनको सोल्व करने का तरीका क्या है। देखिएगा एक बार मैं आपको बता दूं,
सुनना, इसमें ना वेन डायग्राम में जो पहली जो टाइप आपकी वो टाइप ये इस तरीके से है, इसमें तीन चीजें आती हैं, एक तो आता है ओल, एक आता है सम और एक आता है नो, ये तीन आता है इसमें, ओल सम और नो। ओल का मतलब होता है सभी, सम का मतलब होता है कुछ और नो का मतलब होता है कोई नहीं। तो इसका मतलब जैसे मान लो ये जो मान लो मैंने लिख दिया यहां पे ऑल ए इज बी, मतलब सभी ए बी है और आपको इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा पहले वो देखिएगा। ऑल ए इज बी, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं। जो ऑल के बाद जो लिखा गया है ए, तो पहले उसका सर्कल बनाओ आप, जो ऑल के बाद लिखा गया ए और उसके बाद जो कहा इसने ऑल ए बी सभी ए बी है, तो जो इसके ऊपर जो है वो किसका आ जाएगा बी का, तो सभी ए बी है तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा क्योंकि जितने भी ए हैं वो सारे के सारे हमारे बी हैं, तो डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट होता है। दूसरी बात, मैं सम की बात करूं, मान लो स्टेटमेंट कुछ ऐसे आ जाए सम ए इज बी, कुछ ए बी है, तो आपको कुछ ए बी का डायग्राम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ये वाला, ये आपका ए का है, ये आपका बी का है और ये जो पार्ट रिप्रेजेंट करेगा ये सम को रिप्रेजेंट करेगा। इसने बोला ना सम ए इज बी, तो इसका सम ए इज बी का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। अब मैं बात करूं तीसरा जो पॉइंट इसमें आ रहा है वो आ रहा है नो का, तो इसमें हम जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया है पॉइंट कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं नो ए इज बी, तो इसका जो डायग्राम बनेगा नो इज बी का वो कुछ इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल अलग, जैसे ये ए को रिप्रेजेंट करता है ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये अलग अलग बनेगा, ये ए का है और ये बी का है, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि वेन डायग्राम में जो पहली जो टाइप आती है आपकी वो तीन चीजों से बनी है, ऑल सम और नो, इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चंस आता है तो आपको करना कैसे है। दूसरी बात, इसमें जैसे ऑल सम नो का आपको डायग्राम बनाना आ गया ही होगा और इसमें हम वेन डायग्राम की जो पहली जो टाइप है वो कर देंगे कैसे, सुनना। जैसे मतलब मैं पहले जो बात करूं, इसकी जो वेन डायग्राम जो होता है वो एक रिलेशन की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात करेगा रिलेशन की, मतलब आपको दो चीजों के बारे में रिलेशन जानना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, कि रिलेशन क्या, तो उसमें और का होगा क्या, फिर सम का होगा क्या, फिर नो का होगा, इन तीनों के अलावा कोई रिलेशन नहीं बन सकता, क्या तो और बनेगा क्या सम बनेगा या नो बनेगा। अब मैं बात करूं सबसे पहला जो पॉइंट रख रहा हूं आपके सामने, वो पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से है, तो हम हर चीज को हर तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके चलेंगे, सुनना ध्यान से। जैसे इसमें जो पहला जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे ओल का, फिर पढ़ेंगे हम सम का, फिर पढ़ेंगे हम नो का, पहला जो पॉइंट है ओल में। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, एक बार यहां पे देखो, मैंने लिख दिया मैंगोज और यहां पे लिख दिया फ्रूट्स, तो एक बार इसका समझने का प्रयास करना, होता क्या है कि ऑल का रिलेशन मैंगोज और फ्रूट्स में, हमें ये देखना कि इनमें किस तरीके का रिलेशन है, भाई ऑल है या सम है या नो है। तो पहले हम ऑल पढ़ रहे हैं तो ऑल की कैटेगरी वाला पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सम वाला और फिर पढ़ेंगे हम नो वाला। तो इसमें देखो, इसने कहा मैंगोज और फ्रूट्स है, तो इसमें इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो एक बाद की बात है, पहले इसको ये समझो कि इसमें ऑल का रिलेशन है। तो एक बात हमेशा के लिए याद रखना, ऑल का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हमेशा वन साइडेड होगा। वन साइडेड का मतलब ये होगा चाहे वो लेफ्ट से राइट हो चाहे वो राइट से लेफ्ट हो, ये बात हमेशा के लिए याद रखना, ऑल का रिलेशन लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। तो देखो इसमें देखेंगे हम लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है रिलेशन ऑल का। हमने देखा मैंगोज फ्रूट्स, तो आप खुद ही बता दीजिएगा सभी आम फल हैं, तो आप कहने का मतलब यह है कि सभी जो आम होते हैं वो सारे के सारे फल होते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो मतलब ये जो रिलेशन निकलेगा वो लेफ्ट टू राइट निकलेगा। हाँ, दूसरी बात, इसमें आप राइट टू लेफ्ट पढ़ के देखो एक बार आप, तो जितने भी फल है ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, क्या कभी आप बोल सकते हो कि जितने भी फल है वो सारे के सारे आम होते हैं? भाई फल की कैटेगरी में तो और अदर भी तो आते होंगे ना, बनाना जागे, ठीक है ना, पपीता जागे, तो मतलब ये जो फ्रूट्स हैं, तो जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे मैंगो थोड़ी होते हैं, लेकिन जितने भी मैंगोज हैं वो सारे के सारे वो तो आम फल होते होंगे ना। तो कहने का मतलब यहां से जो पहला जो पॉइंट हमने रखा मैंगोज और फ्रूट्स में रिलेशन निकलेगा लेफ्ट टू राइट, न कि राइट टू लेफ्ट। और मैं आपको एक बात क्लियर सी बोल रहा हूं कि ऑल का रिलेशन हमेशा वन साइडेड होता है, वो चाहे लेफ्ट टू राइट हो चाहे वो राइट से लेफ्ट हो, पहली बात। अब जैसे मान लो आप खुद ही बताओगे इसमें, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया मैन और दूसरा लिख दिया मैंने ब्रदर्स, तो आपने बस ये जानने की जरूरत है कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, बस ये तो है कि ऑल का तो है,
लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि इसमें लेफ्ट टू राइट निकलेगा या राइट टू लेफ्ट निकलेगा। तो जितने भी आदमी है वो सारे के सारे भाई होते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन आप इसको ऐसे तो बोल सकते हैं ना, जितने भी भाई हैं वो सारे के सारे आदमी होते हैं। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन निकलेगा वो राइट टू लेफ्ट निकलेगा। क्या निकलेगा? राइट टू लेफ्ट। और जो मैंगो फ्रूट्स का था वो क्या निकलेगा? लेफ्ट टू राइट। बस ये जानने की जरूरत है। वन साइडेड होता है ऑल का रिलेशन। तीसरा दो पॉइंट मान लो मैं रखूं, मान लो मैंने लिख दिया डॉग एनिमल। अब देखो इसमें सारे कुत्ते एनिमल होते हैं क्या? आप खुद सोच के देखो, जितने भी कुत्ते हैं वो सारे के सारे एनिमल हैं। और बिल्कुल है, जितने भी कुत्ते हैं वो सारे एनिमल ही तो हैं। लेकिन हम इसको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, जितने भी एनिमल हैं वो डॉग हैं। भाई एनिमल में तो बहुत सारी चीजें आ गई, तो इसको मतलब डॉग तो नहीं हो सकता अकेला। तो इसका मतलब ये निकल जाएगा लेफ्ट टू राइट, जितने भी कुत्ते हैं वो सारे के सारे जानवर हैं। फोर्थ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कार व्हीकल्स। ये तो कार व्हीकल्स लिखा, लेकिन आप खुद सोच के देखो भाई, जितने भी कार हैं वो सारे के सारे व्हीकल्स होते हैं क्या? आपने कहा सर जी जितने भी कार हैं वो व्हीकल्स होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो सारे के सारे कार नहीं होते। तो इसका मतलब तो लेफ्ट टू राइट इसका निकलेगा, लेफ्ट टू राइट। अब जैसे मैं बात करूं पांचवें पॉइंट की, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पे इंडिया और यहां लिख दिया मैंने दिल्ली। एक बात मैं ये क्लियर कर दूं, हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी स्पेस की बात करेगा, किसी स्थान की बात करेगा स्पेस की, तो उसमें हमेशा ऑल का रिलेशन निकलेगा। ऑल का मतलब मैंने आपको, मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि चाहे वो लेफ्ट से राइट हो, चाहे वो राइट से लेफ्ट हो, लेकिन जब किसी स्पेस की बात करेगा, किसी स्थान की बात करेगा, तो उसमें हमेशा ऑल का रिलेशन होगा। वो जरूरी नहीं कि वो लेफ्ट से राइट हो, राइट से लेफ्ट भी हो सकता है और लेफ्ट से राइट भी हो सकता है। सुनना अभी इसमें, अब इसको पढ़ो, ऑल इंडिया दिल्ली, जितना भी इंडिया हो सारा का सारा दिल्ली थोड़ी है, लेकिन इसको ऐसे तो बोल सकते हैं ना, जितनी भी दिल्ली है वो सारी इंडिया के अंदर आती है। तो इसका मतलब इसमें क्या निकल जाएगा? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। जैसे मान लो मैंने लिख दिया बिहार, दूसरा लिख दिया पटना। अब मुंह देखो, बिहार पटना के अंदर आते हैं, पटना बिहार के अंदर आता है। खुद सोच के देखो भाई, जो बिहार है वो पटना के अंदर है, जो या पटना जो है वो बिहार के अंदर है। तो पटना किसके अंदर है? बिहार के अंदर। तो सारा जितना भी पटना वो बिहार है। तो इसका मतलब राइट टू लेफ्ट। तो ये ऑल का रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑल का रिलेशन लेफ्ट टू राइट हो सकता है, राइट टू लेफ्ट दोनों साइड से नहीं हो सकता। ऑल का रिलेशन में सब वन साइडेड होता है। तो इसी प्रकार हम चीजें ये पढ़ रहे हैं। अब जैसे मान लो मैंने सातवां पॉइंट लिख दिया, मैंने लिख दिया डॉक्टर हॉस्पिटल। अब जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जितने भी हॉस्पिटल हैं वो डॉक्टर के अंदर थोड़ी रहेंगे। तो इसका मतलब कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि पता क्या कि सचिन जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे हॉस्पिटल में थोड़ी होते हैं, घर पे भी रहते हैं। अरे मतलब मैंने आपको एक बात बोली अभी अभी, जब भी स्पेस की बात करेगा तो वहां पे ऑल का रिलेशन रिप्रेजेंट होगा बाय डिफॉल्ट। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपने मेरी चीजें समझ चुके होंगे कि ऑल का रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट होता है। मैंगो से फ्रूट्स पे गए तो लेफ्ट टू राइट निकलेगा। आप इनको खुद पढ़ के देखोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ जी सर बिल्कुल, हाँ ऑल का रिलेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट निकलेगा, राइट टू लेफ्ट निकलेगा। अब बात करेंगे हमने, जैसे इसमें हमने ओन, एक सम और एक नो, ये तीन पढ़ने थे हमें। तो हम तो ओल तो पढ़ चुके हैं, हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं, हम सम की कैटेगरी में। तो सम में कैसे क्या होता है वो देखिएगा, मैं बताता हूं अभी आपको। सम में तो जो सम होता है हमारा वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे देखिएगा, जैसे मान लो मैंने सम की कैटेगरी में लिया, जैसे पहला जो पॉइंट है मान लो मैंने लिख दिया डॉक्टर और मैंने लिख दिया वुमेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डॉक्टर है वुमेन है। तो पहले ये जानने की जरूरत है, पहले खुद देखो भाई, ऑल डॉक्टर आर वुमेन, भाई सभी डॉक्टर वुमेन होती हैं क्या? आपने कहा नहीं सर बिल्कुल भी नहीं होते। और जितने भी वुमेन है, ऑल वुमेन आर डॉक्टर, की जितनी महिलाएं वो सारी की सारी डॉक्टर हैं क्या? नहीं ना। तो लेकिन हमने इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें ऑल का रिलेशन नहीं बन रहा, हम देखेंगे फिर सम पे।
तो इसका मतलब ये है कि सम डॉक्टर आर वुमेन, कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और कुछ वुमेन डॉक्टर होती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका मतलब सम का रिलेशन हमेशा बोथ साइड होता है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब सम का रिलेशन लेफ्ट से राइट भी निकलेगा, राइट से लेफ्ट भी निकलेगा। यदि आपका सम का रिलेशन लेफ्ट टू राइट निकल गया तो राइट से लेफ्ट भी निकल सकता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब जैसे देखो सम का जो रिलेशन हमारा है डॉक्टर वुमेन, तो सम का रिलेशन हमने दोनों साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जैसे ऑल को हम रिप्रेजेंट करेंगे वन साइडेड, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अब दूसरी बात मैं करूं, जैसे मान लो मैंने यहां पे ये लिख दिया कि सिंगर और डांसर, अब खुद बताइएगा कि तो सिंगर डांसर है, क्या सभी सिंगर डांसर थोड़ी होते हैं या सभी डांसर सिंगर थोड़ी होते हैं? इसको हम ऐसे तो पढ़ेंगे ना, सम सिंगर आर डांसर, कुछ सिंगर डांसर होते हैं और सम डांसर आर सिंगर, तो सम डांसर आर सिंगर। तो मैंने ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो सम का रिलेशन है वो बोथ साइड से निकलता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। और ऑल का रिलेशन मैंने अभी अभी आपको बताया, वो लेफ्ट टू राइट भी निकल सकता है और राइट से लेफ्ट भी निकल सकता है। अब तीसरी जब मैं बात करूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया गर्ल्स और दूसरा लिख दिया सिंगर, अब खुद बताओ भाई ऑल गर्ल्स आर सिंगर, सभी लड़कियां सिंगर होती हैं? नहीं हो सकती ना, सम तो हो सकती है ना, बिल्कुल सही। और सिंगर से गर्ल्स पे गए तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे भाई सभी सिंगर्स गर्ल्स होती हैं, जितनी गायिका है मतलब वो सारी के सारी लड़कियां होती है, नहीं ना। तो इसका मतलब सम तो हो सकती है ना, तो सम का मतलब बोथ साइडेड, तो ये मतलब हो गया हमारा सम का रिलेशन ऐसे रिप्रेजेंट होता है। चौथी जब बात करें, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया ब्रदर और यहां पे लिख दिया हस्बैंड, अब खुद बताइएगा ब्रदर और हस्बैंड में रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा? कि कुछ ब्रदर हस्बैंड है, कुछ ब्रदर जो है वो पति हो सकते हैं, लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं सर जी मतलब बोलते हैं कि सभी और ब्रदर और हस्बैंड सभी भाई पति हो सकते हैं। मैंने कहा जरूरी थोड़ी कि सभी लड़कों की शादी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सभी लड़कों की शादी हो, मतलब सभी, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? सम का रिलेशन निकलेगा, तो सम ब्रदर आर हस्बैंड और सम हस्बैंड आर ब्रदर्स, तो इसमें भी हमें सम का रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सम का, बोथ साइड से निकल के आता है। अब एक पॉइंट हमारा बच गया, जैसे नो, नो का मतलब होता है कोई नहीं। अब जैसे मतलब मैं कह दूं, जैसे पहला तो पॉइंट रखा नो के लिए, मैंने लिख दिया शर्ट और लिख दिया दूसरा टाई, अब खुद बताइएगा शर्ट और टाई में क्या रिलेशन है? मेरे हिसाब से कोई रिलेशन नहीं है, और आपके हिसाब से भी कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि शर्ट अपने आप में अलग है, टाई अपने आप में अलग है, शर्ट का रिलेशन बिल्कुल अलग है, टाई का रिलेशन बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि जितनी शर्ट होती है वो सारी की सारी टाई होती है, नहीं ना। ऐसे भी नहीं बोल सकते जितनी भी टाई होती है ओल्ड टाई या शर्ट नहीं बोल सकते ना, सम भी नहीं बोल सकते सम शर्ट और टाई, सम टाई या शर्ट नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये क्या रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा? नो। जैसे मैंने लिख दिया कार और बस, कार और बस, तो कार और बस में बताओ, तो कार अलग है बस अलग है, तो इसमें नो का रिलेशन है। तीसरा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया हस्बैंड और वाइफ, अब हस्बैंड वाइफ में बताओ, हस्बैंड वाइफ में कोई रिलेशन नहीं है भाई, वैसे तो रिलेशन होता है आपस में, ठीक है ना, तो लेकिन यहां वेन डायग्राम की बात करें तो हस्बैंड वाइफ में कोई रिलेशन नहीं बनता, इन दोनों का डायग्राम बिल्कुल अलग बनेगा, तो ये हस्बैंड का बनेगा, ये वाइफ का बनेगा। अब मैं आपको यहां से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कहता हूं आप गारंटी है इस बात की कि आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं अभी एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहां पे, ये लिख दिया मैंने कैट्स पैट्स और डॉग्स, मान लो इसी क्वेश्चन को हमने इसका वेन डायग्राम बनाना कि कौन सा सही होगा, पहला जो पॉइंट है हमारा, तो इसने ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए कुछ इस तरीके से, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन आपका ये है, तीसरा ऑप्शन हमारा ये है, और चौथा ऑप्शन हमारा कुछ ऐसे है। अब आपको यहां पे ये बताना है कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए तो आप ये कहोगे सर जी हमें हर बार दिक्कतें आती हैं इस चैप्टर में कि हमें ये नहीं पता चलता कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा और कैसे बनाते हैं। तो सुनना ध्यान से, अभी ना आपने जितनी भी चीजें सीखी उन्हीं को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है ना। सुना, जैसे मतलब आपने ओल पढ़ा, सम पढ़ा और नो पढ़ा, इन तीनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सुनना ध्यान से, जैसे मान लो ये कैट है, ये पेट्स है, डॉग्स है, पहले एक काम करो
इन तीनों में आप पहले रिलेशन निकालो कि इनमें तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, कि सम है, ओल है या नो है, हमें ये रिलेशन जानने की जरूरत है। तो पहले ये देखो कैट्स और पेट्स में रिलेशन निकालो, क्या सभी बिल्लियां, आप खुद देखो कि सभी बिल्लियां पालतू होती हैं क्या? आपने कहा नहीं सर बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन सभी पालतू बिल्लियां होती हैं क्या? नहीं होते, जितने भी पालतू होते हैं उनके में बिल्ली थोड़ी पाली जाती है, और भी तो पालते हैं लोग। तो मतलब कैट्स और पेट्स में पहले ही देखो सम का रिलेशन रिप्रेजेंट होगा, क्या रिलेशन होगा, ये तो हो सकता है ना सम कैट्स और पेट्स, कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं और कुछ पालतू बिल्ली होती हैं, तो इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है। किस चीज का रिलेशन है? सम का। अभी तो आपने सिखाया उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बस। अब आगे आ जाओ पेट्स और डॉग्स में रिलेशन बताओ, तो पेट्स और डॉग्स में तो रिलेशन बनेगा, आपने जाना कि पेट्स और डॉग्स में क्या रिलेशन बनेगा, अब खुद बताइएगा पेट्स और डॉग्स में क्या रिलेशन बनेगा, तो पेट्स और डॉग्स में क्या रिलेशन बनेगा, सम का। हाँ, कुछ पालतू कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन कैट्स और पेट्स डॉग्स की बात करेंगे तो कैट्स और डॉग्स में हमेशा नो का रिलेशन है, कैट अलग है डॉग अलग है, सभी कुत्ते बिल्ली नहीं हो सकते, सभी बिल्ली कुत्ते नहीं हो सकते, लेकिन हाँ एक चैप्टर है सिलोगिज्म, सिलोग्स के चैप्टर में हम जरूर पढ़ेंगे, हम कुत्ते को बिल्ली भी बनाएंगे और बिल्ली को कुत्ता भी बनाएंगे, वो एक काल्पनिक चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे कैट्स और डॉग्स में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब खुद बता दीजिएगा एक में सम है, इसमें सम है, एक नो है, अब यहाँ पे हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें देखो ऑप्शन इलिमिनेशन से भी कर सकते हैं आप, और मैं बताऊंगा डायरेक्ट भी कैसे करेंगे, जैसे सम सम नो, हमें एक ऑप्शन ऐसा चाहिए जिसमें सम हो और एक नो हो, दो सम हो और एक नो हो, तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्यों, क्योंकि इन तीनों में ऑल है, तो ऑल कभी, इनमें सम है नो है, इनमें ऑल है नहीं, तो ये डायग्राम कभी नहीं बन सकता। अच्छा इसमें बता दो तीसरा जो डायग्राम है हमारा, तीसरा जो डायग्राम है वो देखेंगे, और चौथे में आ जाओ, इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, लेकिन अब एक बात बता दो सेकेंड ऑप्शन कभी बन सकता है क्या, सेकेंड ऑप्शन भी कभी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि इसमें हमें सम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आपको बस ये जानने की जरूरत है। तीसरा ऑप्शन, अब तीसरे को देखेंगे, चौथा देखो, इसमें देखो तीनों सम है आपस में, इसका इसका दोनों के बीच में रिलेशन सम का होएगा, इस डायग्राम में सम होएगा, इसमें इसमें तीनों में सम, जैसे मान लो ये एक्स है, ये वाई है, जेड, तो x और y में सम है, y और z में भी सम है, और x और z में भी सम है, लेकिन हमें एक में चाहिए था नो, लेकिन इसमें नो नहीं, तो ये डायग्राम भी कट हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। अब उनको सर जी ये बताना कि डायग्राम ये जो गोलदारे हैं ये किस किस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने कहा पहले सुनना ध्यान से, जो कैट्स पेट्स डॉग्स है, तो कैट्स और पेट्स में सम का है, पेट्स और डॉग्स में सम का है, कैट्स और डॉग्स में नो का है, तो नो ये किसका हो जाएगा, कैट का, ये हमारा हो जाएगा डॉग का, और ये हमारा किसका हो जाएगा, पेट्स का, तो ये आ जाएगा हमारा कैट पेट्स और डॉग्स, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा कैट पेट और डॉग। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन को हमने क्या करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने इस तरीके से सोल्व करना है, तो वेन डायग्राम कभी भी मार नहीं खाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्यों, क्योंकि आपको जब आपने कंसेप्ट सीख लिया ना किसी चीज का, तो कंसेप्ट से देखो एक चीज होती है कंसेप्ट, एक होती है ट्रिक, यदि आप डायरेक्ट ट्रिक पे जाओगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, पहले आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट से फिर ट्रिक बनाओ, वो हमारे फायदेमंद रहेगी, लेकिन आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के अलावा डायरेक्ट ट्रिक पे जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे जैसे इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन, तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, वो आपने बताना है कि कैसे क्या सोल्व करेंगे इसको, और इसका सही वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो हम देखेंगे, कैसे क्या होता है, कैसे सोल्व होता है। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया हैज बीन वाइफ और मैंने लिख दिया फैमिली, अब चार ऑप्शन दे दिए, पहला ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया इसने इस तरीके से, तीसरा ऑप्शन इसने दे दिया ये, और चौथा ऑप्शन दे दिया ये वाला, तो ये चार ऑप्शन इसने दिए, तो हमें ये जानने की जरूरत है
कि भाई सर जी अब हस्बैंड वाइफ फैमिली का डायग्राम कैसे, मैंने ये बात बताई आपको कि पहले ना इनके बीच में रिलेशन जानने की जरूरत है हमें कि रिलेशन क्या बन रहा है। तो रिलेशन के हिसाब से देखेंगे तो पहले देखेंगे हस्बैंड और वाइफ है तो पहले हस्बैंड और वाइफ में क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन। क्या रिलेशन है, नो का। कोई हस्बैंड वाइफ नहीं होता, कोई वाइफ हस्बैंड नहीं होता। अब वाइफ और फैमिली में बता दो, वाइफ और फैमिली में देखो कि वाइफ और फैमिली में किसका रिलेशन है। जितनी भी वाइफ होती है वो फैमिली के अंदर आती नहीं आती, और जितनी भी फैमिली हो वाइफ के अंदर आती है, तो जितनी भी वाइफ हो फैमिली के अंदर आती है तो क्या रिलेशन आ जाएगा, ओन। तो जब वाइफ फैमिली के अंदर आता है तो हस्बैंड भी फैमिली के अंदर आएगा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये फैमिली का है, ये हस्बैंड और वाइफ का, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। और फैमिली और इसमें हस्बैंड फैमिली, वाइफ फैमिली, तो ये डायग्राम बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, औरों पे तो हमने जाने की जरूरत भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है। पहले उनके बीच में रिलेशन जानो आप कि उसमें रिलेशन क्या है, उस हिसाब से मैं कहता हूं आप इसी हिसाब से चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है इस बात की। अब जैसे मान लो बहुत सारे हमने एग्जाम्पल लेने हैं, अब जैसे मान लो मैंने यहां पर ये लिख दिया, जैसे मान लो यहां पे मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लो ये लिख दिया, जैसे मान लो जेबरा, सहकारी पशु, और तीसरा लिख दिया मान लो मैंने शेर। अब आप बताओ आप इसमें क्या रिलेशन निकालोगे कि जो जेबरा है, आप खुद बताइएगा। जैसे मान लो चार ऑप्शन दे दिएगा इसने, चार ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे दिया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कुछ इसने इस तरीके से दे दिया, तीसरा ऑप्शन कुछ इसने इस तरीके से दे दिया, और चौथा ऑप्शन इसने दे दिया ऐसे। तो आप खुद बताइएगा इसमें कि इसका सही फाइनल आंसर क्या हो सकता है, इसका सही फाइनल आंसर आप खुद देखो कि ये जो जेबरा है, ये जो शाकाहारी पशु है, जो शेर है, इनमें रिलेशन जानो कि जितने भी जेबरा और शाकाहारी पशु होते हैं क्या। अब जैसे मान लो यहां पे शाकाहारी, हाँ बिल्कुल, जो जेबरा होते हैं वो सारे, जितने भी जेबरा होते हैं वो सारे के शाकाहारी पशु होते हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, ओल का रिलेशन आएगा। अब जो शाकाहारी पशु होते हैं, अब नो बताओ शाकाहारी पशु और शेर में क्या रिलेशन है। अब जितने भी शाकाहारी पशु होते हैं वो सारे के सारे शेर होते हैं क्या, नहीं ना। और जितने भी शेर हैं वो सारे के सारे शाकाहारी पशु हैं, ओल शेर मतलब ओल लायन आर, जो शाकाहारी पशु होते हैं क्या वो होते हैं ऐसा, नहीं होते ना। शेर तो भाई मांसाहारी होता है तो ओल का रिलेशन नहीं बन सकता, लेकिन इसमें सम का रिलेशन बन सकता है क्या, सम भी नहीं होगा, जब ओल नहीं हुआ तो सम भी नहीं बन सकता। अब तीसरे की बात करें तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, नो का, क्योंकि भाई एक बात बताओ जितने भी शाकाहारी पशु वो शेर नहीं हो सकते, और जितने शेर हैं वो सारे शाकाहारी पशु नहीं है। शेर तो भाई सीधी बात है मांस खाता है तो वो शाकाहारी तो हो ही नहीं सकता। अब देखो अब इसके बीच में नो का रिलेशन, अब जेबरा और शेर में बता दो इनके बीच में क्या रिलेशन है, नो। तो हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें दो नो हो एक ओल हो, तो इसका डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होगा वो आपने बनाना है। जरूरी नहीं मैंने दो ऑप्शन डाल दिए, अपने हिसाब से डाले हैं, लेकिन पेपर में ऑप्शन इस तरीके से आएंगे। हाँ पहले अब आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, जब दो नो हो और एक ओल हो तो डायग्राम कैसे बनता है। तो ओल ये किसका बनेगा, जेबरा का, और ये किसका बनेगा, शाकाहारी पशु, और ये किसका हो जाएगा, शेर का। अब देखो जेबरा और शेर में नो का रिलेशन है, शाकाहारी पशु और नो में नो का रिलेशन है, तो कुछ ऐसे ही डायग्राम बनेगा। तो एक पांचवा ऑप्शन हम और डाल देते हैं, तो कुछ ऐसे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये पांचवा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है, इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हैं, इसी हिसाब से हम कर सकते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इसी हिसाब से क्वेश्चनों को हमने सोल्व करना है। आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, जैसे मान लो मैं और भी क्वेश्चंस बहुत सारे लेता हूं, अभी क्वेश्चंस आपने ही करने हैं और हम भी करेंगे साथ मिलके। तो जैसे भी आपको कोई डाउट्स आता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करिएगा, कोई दिक्कतें आती हैं वो हम जरूर सोल्व करेंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल, और वे क्वेश्चंस करेंगे हम इस वेन डायग्राम में जो क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी सीजीएल सीपीओ या अदर स्टेट एग्जाम ने तो पूछ लिए हैं, उन्हें को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन हम उनको प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो चीजें तभी माइंड में सेट होंगी कि हमने हाँ इनको इस तरीके से करना है।